तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है, foscos.fasai.gov.in। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको अप्लाई लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, देन इसमें आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको रिटेल ट्रेड की कैटेगरी पर क्लिक करना है। इसके बाद ये आपका ट्रांसपोर्टेशन, हैविंग अ नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड व्हीकल लाइक इंसुलेटेड रेफ्रिजरेटेड वैन, वीगन एंड मिल्क टैंकर्स। अगर आप फूड ट्रक का बिजनेस भी करते हैं या उस तरीके की एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हैं, तो भी आपके लिए यही कैटेगरी एप्लीकेबल होगी। अब इसको भी डिपार्टमेंट ने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि बाकी सबको करा हुआ है। तो उसका फर्स्ट ऑप्शन है हैविंग मोर देन 100 व्हीकल्स वैगन्स और टर्न ओवर मोर देन 30 करोड़। इसमें डबल कंडीशन लगाई हुई है इन्होंने कि अगर आपके पास 100 से ज्यादा व्हीकल हैं या आपकी टर्नओवर 30 करोड़ से ज्यादा है, अगर दोनों में से कोई एक भी है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेंट्रल लाइसेंस के लिए प्रोसीड करना है। इससे अगला है कि अगर आपके व्हीकल्स 100 व्हीकल्स तक हैं या आपकी टर्नओवर 30 करोड़ तक है, तो आपको ये ऑप्शन क्लिक करना है। अगर आपकी टर्नओवर 12 लाख तक है, तो आपको ये थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आप बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड करेंगे। अगर आपके पास 100 व्हीकल तक हैं और आपकी टर्नओवर 12 लाख रुपए से ज्यादा और 30 करोड़ तक है, या दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रही हो, तो आपको सेकंड वाला क्लिक करना होगा और ये आपको स्टेट लाइसेंस के लिए आगे लेके चला जाएगा। अब फर्स्ट वाले पर आते हैं। फर्स्ट वाले में ये कहता है कि अगर आपके पास 100 से ज्यादा व्हीकल हैं या वेगन्स हैं, या आपकी टर्नओवर 30 करोड़ से ज्यादा है, या दोनों हैं, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और आगे प्रोसीड करना है। जैसे ही आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ये आपको सेंट्रल लाइसेंस के लिए आगे लेके चला जाएगा। तो नॉर्मली लोग स्टेट लाइसेंस या सेंट्रल लाइसेंस ही अप्लाई करते हैं, तो जो भी आपके बिजनेस पर एप्लीकेबल हो आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं फिलहाल स्टेट लाइसेंस के लिए प्रोसीड करता हूँ। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। जैसे ही आप फर्दर प्रोसीड करेंगे, आपको दिखेगा कि आपका जो फॉर्म बी है, यानी जो एप्लीकेशन है लाइसेंस की, वो डिपार्टमेंट ने 5 स्टेप्स में डिवाइड की हुई है। तो फर्स्ट स्टेप है प्रमाइसिस डिटेल। प्रमाइसिस डिटेल में आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है, जैसे उसका नाम, उसका एड्रेस, जीएसटी नंबर, पैन कार्ड नंबर या सिन नंबर। आप अपना जीएसटी नंबर, पैन नंबर, सिन नंबर भी डाल सकते हैं। वैसे मैंडेटरी नहीं होता, बट अगर आपके पास है तो डालिएगा जरूर। जैसे ही आप वो इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, ये आपको इंडिया के मैप पे लेकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना लोकेशन सेलेक्ट करना है, फर्दर प्रोसीड करना है। जैसे ही आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, ये आपको सेकंड स्टेप पे ले आएगा, जहां पर आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है। प्रोडक्ट सिलेक्शन मींस कि अपने ट्रक्स में या आपकी वेगन्स में जो भी प्रोडक्ट यूज होता है, या आप जिसमें ट्रांसपोर्ट करते हैं जिन प्रोडक्ट्स को, उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। आप इसको मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप किसी सिंगल पर्टिकुलर प्रोडक्ट में करते हैं तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, ये आपको साइन अप के लिए लेकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेंट की डिटेल डालनी है, उसकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है। जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल आप डाल रहे हैं, वो किससे बिलोंग करती है, वो भी सिलेक्ट करना मैंडेटरी है। इसके बाद ये सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल मांगता है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसमें डाल सकते हैं, नहीं है तो उसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद ये लेकर आ जाता है लॉगिन क्रेडेंशियल्स पे। तो लॉगिन क्रेडेंशियल में लॉगिन आईडी सिस्टम जनरेटेड होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। पासवर्ड आप अपनी मर्जी का डाल सकते हैं। पासवर्ड डालने की कुछ कंडीशन होती है, तो नीचे ये नोट में दिया हुआ है, ये कंडीशंस पढ़ लीजिएगा पासवर्ड सिलेक्ट करने से पहले। ये जो यू लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप यूज कर रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस में हेल्प करेगा, तो इसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। तो जैसे ही
आप ईमेल और मोबाइल का ओटीपी इसमें डालेंगे, आपको सबमिट पे क्लिक करना है। ये आपको साइन अप सक्सेसफुली का ऑप्शन पॉप अप शो कर देगा, आपको ओके पे क्लिक करना है और फर्दर प्रोसीड करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे ये आपको थर्ड स्टेप पे ले आएगा जिसमें कम्युनिकेशन डिटेल डालनी होती है। तो फर्स्ट ये मांगता है रजिस्टर्ड एड्रेस, अगर रजिस्टर्ड एड्रेस सेम है जो आपने फर्स्ट ऑप्शन पर फिल करा था तो वो इसमें ऑटो फिल होकर आ जाएगा, लेकिन अगर आपका डिफरेंट है तो आप इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। रजिस्टर एड्रेस के बाद ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मांगता है जिससे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस कर सके। तो अगर ये रजिस्टर्ड एड्रेस वाला ही है तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं, अगर ये डिफरेंट है तो आप इसको अलग से भी डाल सकते हैं। इसके बाद ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगता है, ये वही वाली पिक कर लेता है जो एप्लीकेशन साइन अप करते टाइम आपने डाली होगी। अगर ये डिफरेंट है या आप कुछ और देना चाहते हैं तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये पूछता है पर्सन इन चार्ज ऑफ ऑपरेशन, उस पर्सन की इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करिए जो इन चार्ज है, ऑपरेशंस को मैनेज करता है। तो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करनी होगी, जैसे कि उसका नाम, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल, उसका एड्रेस, उसका कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ और उसका नंबर। इसके बाद ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लाइंग विद कंडीशन ऑफ लाइसेंस, तो ये उस पर्सन की डिटेल्स मांगता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा लाइसेंस की कंडीशंस को फुलफिल करने की। अगर ये पर्सन इंचार्ज वाला ही है तो इसको आप येस पे यहाँ क्लिक कर सकते हैं, अगर ये डिफरेंट है तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अलग से फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई अदर लाइसेंस है तो उसको सिलेक्ट करके उसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ डाल सकते हैं। अगर आपका हेड ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस अलग है और उसका आपके पास फूड लाइसेंस है तो उसका लाइसेंस नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप फूड सेफ्टी मित्रा हैं या आपका कोई जानकार फूड सेफ्टी मित्र है तो उसका कोड इधर डाल सकते हैं। लास्ट में ये पीरियड फॉर विच लाइसेंस रिक्वायर्ड, जितने साल के लिए आपको लाइसेंस अप्लाई करना है वो नंबर्स यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने होते हैं। ध्यान रखिएगा जितने साल आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे गवर्नमेंट फीस 2000 से उतनी ही मल्टीप्लाई होती जाएगी। अगर आप 1 साल का अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट फीस 2000 होगी, 5 साल का करते हैं तो गवर्नमेंट फीस 10,000 हो जाएगी। इसके बाद आपको पीरियड सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले आएगा जहाँ पर आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, पार्टनर, प्रोप्राइटरशिप, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ सोसाइटी, ट्रस्ट विद फुल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल विद नॉमिनेशन ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी डालना है। अगर आपकी फर्म प्रोप्राइटरशिप है तो इसका एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वो डाउनलोड करके अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फर्म है या कंपनी है या कोई ट्रस्ट है तो उसकी लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, पार्टनर या एग्जीक्यूटिव सोसाइटीज मेंबर्स की यहाँ पर अपलोड करनी होगी। साथ ही आपको उसका अथॉरिटी लेटर लगाना होगा जो भी मेन एप्लीकेंट है उसके फेवर में। अथॉरिटी लेटर का फॉर्मेट भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वो डाउनलोड करके यहाँ पर उसका यूज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन होता है फोटो आईडी एंड एड्रेस प्रूफ इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट से कोई भी इश्यूड आईडी प्रूफ, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी जो भी हो एप्लीकेंट का यहाँ पर अपलोड होगा। थर्ड, प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ प्रमाइसेस, तो जिस प्रमाइसेस के लिए भी आपको लाइसेंस अप्लाई करना है उसका कोई भी रेंट एग्रीमेंट, लीज डीड या ऑनरशिप प्रूफ जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में ये कहता है पार्टनरशिप डीड, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ प्रोप्राइटरशिप, मेमोरेंडम ऑफ एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी का सर्टिफिकेट। अगर आपका प्रोप्राइटरशिप है तो उसका एक फॉर्मेट होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड करिए और उसको यहाँ पर फिल करके अपलोड कर दीजिए। अगर आपकी फर्म है तो उसकी डीड बनी होगी, डीड यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। कंपनी है तो एमओए एओए आपका बना होगा कंपनी इनकॉर्पोरेट होते टाइम, वो यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, या कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। फिफ्थ पॉइंट में ये कहता है फॉर्म 9, अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप है तो ये ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट अगर कंपनी है तो कंपनी के केस में जो भी एप्लीकेंट आपने नॉमिनेट करा होगा उसके फेवर में एक लेटर बनता है और यहाँ पर वो अपलोड होता है। अगर फॉर्मेट आपके पास ना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। सिक्स्थ ऑप्शन ये कहता है लिस्ट ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, ट्रांसपोर्टेशन के केस में आप व्हीकल तो यूज करेंगे ही, तो जो भी व्हीकल्स आप अपने बिजनेस में यूज करने वाले हैं उसके रजिस्ट्रेशन नंबर की एक लिस्ट बनाइए और यहाँ पर उस लिस्ट को बना के अपलोड कर दीजिए।
इसके बाद आपको अदर डॉक्यूमेंट में आना है। अदर डॉक्यूमेंट में आके FSMS प्लान, ये भी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, आप इसको बनाकर अपलोड जरूर करिएगा ताकि डिपार्टमेंट की तरफ से कोई क्वेरी ना लगे। फॉर्मेट आपके पास अवेलेबल ना हो, नीचे जाके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम यहाँ इनको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं। जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, नीचे एक चेकबॉक्स आएगा, इस पे क्लिक करके ही आप आगे बढ़ पाएंगे। बट क्लिक करने से पहले ये लाइसेंस की कंडीशंस है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद ये आपको फिफ्थ और फाइनल ऑप्शन पे ले आएगा, यहाँ पर आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने से पहले प्रीव्यू एप्लीकेशन जरूर कर लीजिएगा, जिसमें आपको एक ही जगह सारी समरी मिल जाएगी कि क्या आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की है। अगर आपको एप्लीकेशन सही लगती है तो दिए गए ऑप्शंस में से किसी को भी सिलेक्ट करके आप पेमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। पे पर क्लिक करिए। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, पेमेंट कंफर्म करेंगे, आपको इस तरीके की एक रिसीट जनरेट हो जाएगी। इस रिसीट को संभाल के रखिएगा, ये आपको एप्लीकेशन ट्रैक करने में हेल्प करेगी। साथ ही ये आपकी पेमेंट की रिसीट भी होती है, इसमें मेंशन होता है कि आपने कितनी पेमेंट करी है और किस डेट को करी है, किस ट्रांजेक्शन आईडी के अगेंस्ट करी है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपका कोई सुझाव हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।